हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं हमारे चैनल के बारे में, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको हमारे इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, बीकॉम में जाना है और फिर यहाँ पे एक ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा, जिसको आपको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी, जैसे कि आपको असाइनमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, आपको नोट्स 40% डिस्काउंट पे मिलेंगे और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। इसके अलावा आप मुझसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी टॉपिक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन आस्क मी फॉर एनी ऑन डिमांड लेक्चर्स। अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर बनाऊंगा। लेकिन ये सारी सर्विसेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आप ट्यूशन्स में इतने पैसे पेमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करने में आपको कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और हाँ, एक बात और, जब भी आप स्टडी करें तो प्लेलिस्ट के थ्रू करें। आप हमारे चैनल पे आने के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएं, नीचे की तरफ आपको आना है। ये एमकॉम का नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोर्सेज हैं, ये एमकॉम ओल्ड, और यहाँ बीकॉम न्यू आप पे आपको जाना है। बीकॉम न्यू के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सारा का सारा जो प्लेलिस्ट है वो आपको दिख जाएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का। आपको जो भी वीडियोस देखनी है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है, क्लिक करके आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो, है ना। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, which is about the web server and application server, इसके बीच दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो वेब सर्वर की अगर हम बात करें, सो इट इज सर्वर दैट हैंडल्स HTTP प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसको वेब सर्वर एक तरीके से हैंडल करता है, मैनेज करता है। लेकिन एप्लीकेशन सर्वर की बात करें तो ये जो HTTP है, ये सिर्फ एप्लीकेशन सर्वर का एक छोटा सा पार्ट है। एप्लीकेशन सर्वर एक पूरा का पूरा सर्वर है, जिसमें आप अपने बिजनेस लॉजिक को एक्सपोज करवाते हो क्लाइंट्स के थ्रू। क्लाइंट को आप एक्सपोज करवाते हो एप्लीकेशन के थ्रू, थ्रू वेरियस प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग HTTP। HTTP के अलावा जो बाकी सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उनका भी सहारा लेकर के आप अपने बिजनेस लॉजिक को कस्टमर्स के सामने एक्सपोज करते हो। सो इट इज अ सर्वर दैट एक्सपोजेस बिजनेस लॉजिक टू क्लाइंट एप्लीकेशंस थ्रू वेरियस प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग HTTP, ठीक है। अगला पॉइंट है, इट इज यूज टू सर्व वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, है ना। वेब सर्वर जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को एक तरीके से चला सके। वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर काम करती हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन सर्वर होता है वो वेब बेस्ड तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो एंटरप्राइज बेस्ड एप्लीकेशंस भी होते हैं, उसके ऊपर भी वो काम करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है, इट एनकम्पासेस वेब कंटेनर्स ओनली। वेब सर्वर में सिर्फ और सिर्फ वेब कंटेनर्स को ही एक तरीके से वो एनकम्पास करता है। लेकिन अगर एप्लीकेशन सर्वर की बात करें तो ये वेब कंटेनर के साथ साथ जो EJB कंटेनर होता है उसको भी एक तरीके से एनकम्पासेस करता है, चेक करता है और उसका इस्तेमाल करता है। फोर्थ नंबर पॉइंट है, इट इज यूजफुल और फिटेड फॉर स्टैटिक कंटेंट, है ना। वेब सर्वर एक तरीके से फिट माना जाता है, या फिर ये यूजफुल होता है स्टैटिक कंटेंट के लिए, मतलब ऐसा कंटेंट जो कि बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है, गत्यात्मक नहीं है, एक ही जगह पे है। लेकिन एप्लीकेशन सर्वर में ये एक्चुअली इस्तेमाल होता है डायनेमिक कंटेंट के लिए, कोई ऐसा कंटेंट जो कि मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। इसको दूसरे वे में मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बट डायनेमिक मतलब होता है गत्यात्मक, जो चीज चलती रहती है। तो ऐसा कंटेंट जो कि चलने वाला है, वो उसका इस्तेमाल जो है एप्लीकेशन सर्वर पे होता है, उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, इट कंज्यूम्स और यूटिलाइजेस लेस रिसोर्सेज। वेब सर्विस में जो है जो यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, वो कम होता है। वेयर एज एप्लीकेशन सर्वर की अगर बात करें तो यहाँ पे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। छह नंबर पॉइंट है, दीज अरेंज द रन एनवायरनमेंट फॉर वेब एप्लीकेशंस। ये जो वेब सर्वर होते हैं, ये एक तरीके से अरेंज करते हैं एक रन एनवायरनमेंट जहाँ पे वेब एप्लीकेशंस काम करती हैं। एप्लीकेशन सर्वर ठीक इसका उल्टा होता है, दीज अरेंज द रन एनवायरनमेंट फॉर इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, है ना। ये वेब एप्लीकेशंस हो रहा है और यहाँ पे इंटरप्राइज के साथ वेब एप्लीकेशंस दोनों है, यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे इंटरप्राइज एप्लीकेशंस लिखा गया है। इन वेब सर्वर्स
मल्टी थ्रेडिंग इज नॉट सपोर्टेड। वेब सर्वर्स में मल्टी थ्रेडिंग जो है सपोर्ट नहीं करता या काम नहीं करता। एप्लीकेशन सर्वर में ऐसा नहीं है, यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है देयर कैपेसिटी इज लोअर देन एप्लीकेशन सर्वर। इनकी जो कैपेसिटी होती है वेब सर्वर की उसकी लोअर होती है एप्लीकेशन सर्वर के मुकाबले, और इनकी जो कैपेसिटी होती है एप्लीकेशन सर्वर की वो वेब सर्वर के मुकाबले काफी ज्यादा हाई होती है। नाइन्थ एंड द लास्ट पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। सो वेब सर्वर जो होता है, इन वेब सर्वर्स HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड HTTP प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड। वेब सर्वर में HTML और HTTP का इस्तेमाल होता है। वेयर एज अगर हम एप्लीकेशन सर्वर की बात करें तो यहाँ पे GUI है ना, ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस, HTTP एंड RPC RMI प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने आपको वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर में डिफरेंशिएट करके बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनकी भी प्रिपरेशन जो है वो ठीक तरीके से हो सके। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।